टेक्सास बना लिटिल इंडिया, 10 साल में दुगने हुए भारतवंशी, ये सबसे ज्यादा शिक्षित, 20% बिजनेस भी इन्हीं के हाथ में। अमेरिका का दक्षिणी राज्य टेक्सास नया लिटिल इंडिया बनकर उभर रहा है। अमेरिका के उत्तर और पूर्वी राज्यों जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन और शिकागो से भारतीयों ने टेक्सास में संभावनाओं को तलाशना शुरू किया। महज 10 साल में ही भारतीयों की आबादी यहां दुगनी हो गई। 2010 में यहां पर 2.30 लाख भारतीय थे, जो कि 2020 में बढ़कर लगभग 4.50 लाख हो गए हैं। दबदबे का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि टेक्सास के कुल बिजनेस के 20% हिस्से पर भारतवंशी काबिज हो गए हैं। टेक्सास में टेक्नोलॉजी, स्कूल, फाइनेंस, संस्कृति और यहाँ तक कि राजनीति में भी भारतीयों का दबदबा बड़ा है। टेक्सास में रहने वाले भारतीयों में लगभग सभी के पास कॉलेज एजुकेशन है, आधे से ज्यादा के पास प्रोफेशनल डिग्री है। टेक्सास के 4 शहर कॉलिन, डेंटन, डलास और टैरेंट में तो भारतीयों का वहाँ के बिजनेस में 25% तक हिस्सा है। राजनीति में भी अहम भूमिका, कभी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माने जाने वाला टेक्सास राज्यों में अब डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत हो रही है। इसका बड़ा कारण यहाँ भारतीयों की आबादी का बढ़ना है। ह्यूस्टन में डेमोक्रेटिक प्रेस्टन कुलकर्णी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में टेक्सास की अहम भूमिका रहने वाली है। यहाँ के 40 इलेक्टोरल वोटों में अभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का वोट शेयर 50.49 है। टेक्सास के महेंद्र जुनेजा का कहना है कि आने वाले समय में भारतवंशी यहाँ के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करेंगे। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले प्रवासी भी भारतीय। इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन पॉलिसी के अनुसार टेक्सास में प्रवासियों में सर्वाधिक भारतवंशियों की औसत कमाई 48.5 लाख रुपए है। 41% भारतीयों की औसत कमाई 1.22 करोड़ रुपए है। ग्रीन कार्ड धारी भारतीयों की चौथी बड़ी आबादी टेक्सास के डलास फोर्ट में है। टेक्सास में आधे से ज्यादा भारतीय टीम सेक्टर में है। कंप्यूटर साइंस टीम, मैनेजमेंट और हेल्थ केयर शेष टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। अनुमान है कि 2 साल में बिजनेस के 30% हिस्से पर भारतीय काबिज हो सकते हैं।